सीहोर जिले के भैरंदा में एक युवक ने घर में घुसकर युवती को गोली मार दी है। बीच बचाव में आई युवती की मां पर भी फायर कर दिया है, जिन्हें घायल अवस्था में सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बेटी ने दम तोड़ दिया जबकि मां का इलाज जारी है। पूरा मामला भैरंदा के नारायण सिटी कॉलोनी का है। आरोपी ने इंदर सिंह कीर के घर में घुसकर मां बेटी पर 3 फायर कर दिए। मां बेटी की चीख पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। घटना के समय घर पर युवती के बड़ी बहन और छोटा भाई भी मौजूद था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन कर उसके गांव रवाना किया। वही मामले में एसडीओपी दीपक कपूर ने कहा कि रहटी निवासी प्रभु दायमा ने घर में घुसकर 20 वर्षीय युवती पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि दोनों में 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों आपस में रिश्तेदार भी है। वही युवती के पिता इंदर सिंह कीर ने कहा कि एक तरफा प्रेम था, वह बार बार मेरी बेटी को परेशान करता था। इसको लेकर मेरी बेटी ने थाने में FIR भी दर्ज करवाई थी। जी, क्या नाम आपका और कहां रहते हैं? क्या मामला है ये पूरा? मामला ये है कि वो लड़का जो था कुछ दिनों से बच्ची को परेशान कर रहा था जी, धमकियां दे रहा था, तो उस विषय को लेकर बच्ची ने FIR भी दर्ज की थी उसके खिलाफ जी। फिर भी वो नहीं मान रहा था और उसके अलावा भी वो बार बार फोन करके धमकी देता कि मैं कर दूँ कर दूँ इस पर कर दूँ जी। इसके अलावा भी वो कुछ समय पहले शायद अभी जैसे पुलिस बता रही थी कि वो आपके रिश्ते में भी लगता है, में भी लगता है वो जी। उसका पिता मेरे चचेरे भाई है जी धनराज। तो आपकी तरफ से कोई प्रयास पहले नहीं किए गए क्या कि इस संबंध में? प्रयास हुआ, उसे समझा लिया जी और मना भी कर दिया उसने कि अब मैं सब मैं तो वैसे बात करता हूँ, बोले ऐसी कोई बात नहीं जी। हालांकि बच्ची की तरफ से कोई, यानी आपका ये कहना है कि ये एक तरफा प्रेम था? एक तरफा। आपने कई बार प्रयास किया, परिजन से भी मिले, परंतु इससे पहले आप बता रहे हैं FIR की थी, कब की थी FIR? अभी 2-3 महीने पहले FIR 3 महीने पहले हुई थी। उस पर कोई कार्रवाई? कार्रवाई यही थी कि उसे बुलाया गया, पता नहीं उसे समझाइश थी थाने से और शायद उसने मना किया होगा कि अब मैं आप जब घटना हुई आप मौजूद थे क्या? नहीं, मैं मौजूद नहीं। क्या आया था? जैसे आपकी श्रीमती को भी गोली लगी, उनसे बात हुई आपकी जी? क्या बता रही हो? वो बता रहे हैं कि आप जैसे ही बाजार में सब्जी लेने गए जी और तत्काल अंदर आया वो गेट के और आके फटाफट फायरिंग कर दी और भाग गया। पहले बेटी को मारा? अब ये पहले किसको मारा? इनको कहाँ गोली लगी? सिर में लगी। खतरे से बाहर हैं जी। क्या कहना क्या अपील करेंगे, क्या मांग करेंगे साथ में? मांग ये करना चाहता हूँ कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुझे न्याय मिले। ठीक है। रात्रि 8 बजे भैरंदा में नारायण सिटी है, तो उसमें एक प्रेम प्रसंग की घटना हुई है जी। और इंदर सिंह जी है एक शिक्षक छिदगांव में जी, उनकी लड़की है आरती दाहिमा 20 वर्ष की है, तो उसका प्रेम प्रसंग विगत 2 वर्ष से रेडी के मठा गांव वहाँ का एक लड़का है प्रभु दाहिमा, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसी प्रेम प्रसंग के चलते आज प्रभु दाहिमा जो आरोपी है जी, जो मृतिका है उसके पिता के चचेरे भाई का लड़का जी, मतलब घर गई है, रिश्तेदार है, और उसने आके घर में घुस के उसको गोली मारी पिस्टल से जी, जो सीने में उसको गोली लगी है जी। सर ऐसी जानकारी वो एक्सपायर हो गई है और पहले भी एक FIR हुई थी जी 1956 की, उसमें उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी और इसमें अभी हम लोग हॉस्पिटल में हैं और आरोपी की तलाश के लिए 2-3 टीमें रवाना की है जी, तो आज रात में हम लोग उसको पकड़ लेंगे और अज्ञात है जी, तो भी जो इसने घटना की है जी वो ज्ञात है जी, अज्ञात नहीं है। नाम उसका प्रभु दाहिमा है जी, तो हम लोग से उसकी गिरफ्तारी करते हैं। ठीक, थैंक यू। सीहोर से वसीम खान की रिपोर्ट।